झिझक सिर्फ मन की एक प्रवृत्ति है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। असल में ये कहना कि मन झिझकता है सही नहीं, ये झिझक ही मन है। जब तुम झिझकना छोड़ देते हो तो मन गायब हो जाता है, और मन के गायब होने के साथ ही तुम्हारा असली अस्तित्व प्रकट होता है। ये झिझक बस इतना बताती है कि हम अतीत से चिपके हुए हैं। अतीत तो जा चुका है, ये बस वादों में है, अब ये वास्तविकता का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम इसे पकड़ते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद ये कहीं है और हम इसे फिर से पा सकते हैं। झिझक अनजान, अपरिचित, अजीब चीजों का एक सूक्ष्म डर भी है। धीरे धीरे तुम एक बहुत मरी हुई जिंदगी जीने लगोगे, क्योंकि अनजान ही जिंदगी है और हर पल तुम्हें फिर से जीने का जोखिम उठाना पड़ता है। मन एक सुरक्षा का उपाय है, एक चाबी है, ज्ञात की ओर, परिचित की ओर। सीमाएं बनाओ पर उससे आगे मत जाओ, लेकिन सभी सीमाएं कैद हैं और फिर व्यक्ति पीड़ित होता है। मनुष्य इस तरह बना है कि जब तक पूरा आकाश उसकी सीमा नहीं बनता वह दुखी रहेगा, इससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। एक को विस्तार करना चाहिए और एक को बनना चाहिए, तब उत्साह होता है और जीवन में रस होता है, क्योंकि हर पल एक नई विजय है, हर पल एक नई चुनौती है। तुम स्वीकार करते हो और अनजान यात्रा पर निकल पड़ते हो। हर पल भगवान तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है और तुम्हें एक ऐसे तरीके से बुलाता है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। एक साधक हमेशा अनजान अनचाहे में जाने के लिए तैयार रहता है, बिना लक्ष्य के, बिना पिछले अनुभवों के। ऐसे अस्तित्व बढ़ता है और ऐसे अस्तित्व चलता रहता है। जियो हर पल बिना झिझक के। प्रणाम।